प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर वन लिविंग वर्ड का पार्ट फोर। इससे पहले अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं जो कि लिविंग वर्ड पे हैं तो आप बैक जा करके चैनल पे पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देख सकते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब आप बैठते हो लंबे वीडियो होते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने पूरे चैप्टर को है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो लिविंग वर्ड को हम पढ़ाई कर रहे हैं और लिविंग वर्ड का हम पढ़ने जा रहे हैं आज पार्ट फोर। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको ईमेल आईडी दी हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हैं। तो चलो कोई डिले नहीं करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फोर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन की हमने कल बात करी थी कि जो अरेंजमेंट है, जो इससे पहले की वीडियो में बात करी थी हमने कि जो ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है ग्रुप में या कैटेगरीज में, उनकी रिलेशनशिप के बेसिस पर उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में दो तीन आप चीज़ें होती हैं। पहला होता है करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई या करेक्टराइज हम तब करेंगे जो अब ऑलरेडी हमारे पास कुछ इस्टेब्लिश्ड होंगे चीज़ें, उनसे हम कंपेयर करेंगे, है ना। एग्जाम्पल भी दिया था क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, लाइफ में कंपैरिजन होता ही है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे घर में बताया था एग्जाम्पल कि घर में कोई बच्चा आता है तो तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है। किसी बच्चे का बर्थ होता है तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है, बच्चा किसके जैसा दिखता है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसे ही जब भी नया कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो प्रीवियसली जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितना अब तक के हमारे पास जानकारी है साइंटिस्ट के पास, वो उससे कंपेयर करते हैं कि वो किसके सबसे ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। उसकी बेसिस पर उसका करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, जैसे हमारी आइडेंटिटी के लिए हमारा एक नाम है, जैसे मेरा नाम है डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा, ऐसे आपका नाम है। तो जो हमको यूनिकली क्या करता है, हमको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, हमको एक पहचान देता है। ऐसे कोई जब ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसका एक नाम, उसका पहचान देना है, एक नाम देना है, और उसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला कॉमन नेम, दो तरीके से हो सकता है, एक होता है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम के लिए आपको कल बताया था कि कॉमन नेम जो होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सकते हैं, रीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो चूंकि हम पूरे दुनिया में, और साइंटिस्ट, साइंस की कोई लिमिट नहीं होती, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चाहें कि उसी कंक्लूजन पर पहुँचें, कन्फ्यूजन ना हो लोकल नेम देने से। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आप उसे आलू बोलते हैं अगर आप हिंदी भाषी हैं, तो अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, अगर आप गुजरात में जाओगे तो उसी का नाम अलग अलग हो जाएगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वही क्या होगा, अगर नाम आप सबके अलग अलग रहेंगे तो जो वो लिटरेचर पब्लिश करेंगे, जो रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, उसको पढ़ने में कोई, जो सिर्फ उसी लोकल लैंग्वेज के लोग समझ पाएंगे, सब लोग समझ नहीं पाएंगे बच्चों। तो कॉमन नेम के बारे में मैंने पार्ट थ्री में ज़्यादा डिटेल में बात की है, आप बैक जाके देख सकते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ए साइंटिफिक नेम, है ना, विच इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे हमें अपना आप बताया एग्जाम्पल होमोसैपियंस, है ना, आदमी का जो, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो होमोसैपियंस है। अब आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई भी साइंटिस्ट होगा, किसी भी कंट्री का होगा, होमोसैपियंस का मतलब वो समझेगा। सच नेमिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। तो ये देखते हैं कि साइंटिफिक नेम रखने के लिए क्या रूल्स हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वही रूल्स हम आज अब देखने जा रहे हैं। और साइंटिफिक नेम जो है ये वो इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो, दो नाम ना हो, है ना, सो दैट दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक ही कंक्लूजन पे पहुंच पाए। सो द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ओनली वन नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड हेल्प द अदर पीपल टू अराइव एट द सेम नेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब देखते हैं इसमें। और ऑर्गेनिज्म का नाम ऐसा होना चाहिए, देखिए, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग ए स्पीसीज is given a different name to distinguish it from the other. One has to ensure that such a name has not been used earlier for any other organism. कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी नाम हम लिखेंगे वो यूनिक होना चाहिए, वो अब से पहले
किसी और ऑर्गेनिज्म को नाम नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिस्ट बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को नाम दें, तो जो सबसे पुराना मेथड है उसमें बोलते हैं पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सब आपने पढ़ा होगा, पॉलीनोमियल और ट्राइनोमियल आपके लिए हो सकता है नया हो। तो पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर देख सकते हैं आप, है ना। बिफोर 1750 स्कॉलर्स यूज्ड टू ऐड सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड टू डिजाइनेट अ पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक कैरियोफिल्लम। ये जो आप राइट साइड में मेरे देख रहे हो, जो आप इमेज देख रहे हो, ये क्लब है, क्लबस लौंग, आप समझते होंगे लौंग। देखो आप इस इंडिया में स्पाइसेस के रूप में हम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में यूज़ होता है, तो इसका नाम है इसका अगर हम साइंटिफिक नेम आज की डेट में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो इसका नाम है डायंथस कैरियोफिल्लम। ऑलराइट, तो पहले क्या होता था पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर में, क्या करते थे, ज़्यादा कुछ रूल नहीं था बहुत ज़्यादा रूल, तो क्या करते थे एक सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लिखते जाते थे। देखो जरा इसको पढ़ने की कोशिश करिए, कैरियोफिल्लम, सक्सेटिलिस, फोलिस, ग्रामिनियस, एम्बेलेटस, कोरिम्बियस, कितना बड़ा नाम हो गया। क्या आप इसे याद कर पाओगे, क्या पूरे साइंटिस्ट इनको ये कन्वीनियंट लगेगा इतना नाम, सीरीज ऑफ नाम रख दिया। और इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स कैरियोफिल्लम ग्रोइंग ऑन रॉक, ये पहाड़ों पे उगता है, पत्थरों पे, हैविंग ग्रास लाइक लीफ, इसके पास पत्तियां जो होती हैं वो घास की तरह होती हैं, एंड अम्बेलेट कोरिम्ब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, और जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो अम्बेलेट कोरिम्ब टाइप का होता है। ये क्या होता है फ्लोर फार्मूला वगैरह आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो कितना लंबा नाम है ना, सच लॉन्ग नेम कैन नॉट बी इजिली रिमेम्बर्ड, ना ही आप याद कर पाओगे ना ही कहीं यूज कर पाओगे। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर नेक्स्ट आया जिसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, है ना। बाइनोमियल सिस्टम जो था पहले प्रपोज किया था, बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप सबको पता है कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऐसा हम बोलते हैं कि वो दिया गया था कैरोलस लेवियस के थ्रू, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, गैस्पर्ड बोहिन। इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने प्रपोज किया था, एक इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम था पिनेक्स थिएटर बोटानिका, है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा उस पर काम किया वो किया लिनियस ने, इसलिए ये लिनियस को ही क्रेडिट जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का। सो कैरोलस लिनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम हु यूज्ड दिस फर्स्ट टाइम एट लार्ज स्केल। तो वहां पे स्टार लिखा हुआ है तो याद रखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कैरोलस लिनियस। और लिनियस ने जो ये साइंटिफिक नाम दिए प्लांट और एनिमल के, हम पहले भी देख चुके हैं शायद पार्ट टू या पार्ट थ्री में, कि जो प्लांट्स के उन्होंने बुक निकाली थी इसका नाम था स्पीसीज प्लैनेटरियम प्लांटेरियम, और जो एनिमल्स के लिए लिखा था उन्होंने बुक उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, इसमें गलत लिखा हुआ है, इट्स सिस्टेमा नेचुरी, आप करेक्शन कर लेना, SYSTEMA सिस्टेमा नेचुरी रेस्पेक्टिवली। तो स्पीसीज प्लैनेट प्लांटेरियम में उन्होंने प्लांट के बारे में लिखा और सिस्टम नेचुरी में एनिमल के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं रूल क्या है नोमेनक्लेचर करने के लिए। रूल नंबर वन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने के लिए पहला रूल जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि उसमें जो नाम है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो नाम हम हमेशा लैटिन वर्ड में लिखते हैं, कभी भी इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है तो ये रूल है, एक्सेप्टेड है कि उसको इंग्लिश को पहले लैटिन में ट्रांसप्लेंट करवाना पड़ेगा और उसी का हम यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश की नहीं चलेगी बच्चों, हमेशा इंग्लिश नाम अगर कोई साइंटिस्ट रखता है तो उसको लैटिन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और वही चलेगा किसके लिए, हमारे साइंटिफिक नेम। अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है सर इंग्लिश क्यों नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है ना, लैटिन में क्यों करते हैं उसको। तो देखो बच्चों, होता कि कुछ ऐसा इस तरह से है कि जब भी एक कभी भी जिसका जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा जहाँ जो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा दबदबा होता है उस फील्ड पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो फिक्स करते हैं वही एक ट्रेंड बन जाता है, वही लोग फॉलो करते रहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा काम किया साइंटिस्ट लोगों ने तो लैटिन के थे, तो इसीलिए उन्होंने लैटिन वर्ड बन दिया, तो वो ट्रेंड चलता रहा और कोई किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, जो चल रहा है ट्रेंड उसी को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लैटिन वर्ड होना चाहिए सबसे पहले, और उसको हम लिखने चाहिए इटैलिक्स फॉन्ट में। इटैलिक्स फॉन्ट क्या होता है बच्चों, इटैलिक्स फॉन्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ देखते हो वो तिरछी लिखी होती है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ आइसोइट्स पेंटियाई, तो यहाँ पर देखो ये कैसे लिखी हुई है, आपको तिरछी लिखी हुई है ना, ये लोग ये कैसे लिखे हुए हैं सब,
ये सीधे लिखे हुए हैं, और ये कैसे लिखा हुआ है, तिरछा लिखा हुआ है ना। तो तिरछा जब लिखा हुआ है इसी को हम इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं बच्चों। तो दो चीजें हमने देख ली, जो भी नाम रखने वाले हो अगर वो इंग्लिश में है तो उसको पहले लैटिन में ट्रांसलेट कराओ, और जब आप लिखोगे तो उसे इटैलिक्स में लिखोगे, इटैलिक्स मतलब तिरछा लिखोगे, सीधा नहीं। तो साइंटिफिक नेम बेसिकली दो चीजों का मिलकर बना होता है, पहला, पहले को बोलते हैं जीनस, और दूसरे को बोलते हैं, सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज। यहां पर देखो आइसोइड्स पैंटियाई, मतलब ये जीनस है और ये स्पीसीज है। जैसे होमो सैपियंस, तो होमो इज जीनस एंड सैपियंस इज स्पीसीज। चलिए पहले ये रहा पॉइंट, समझ में आ गया। थर्ड रूल ये आपका कहता है कि जो जीनस नेम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आइसोइड्स, देखिए कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जो स्मॉल नेम होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, आई मीन जो स्पीसीज होनी चाहिए वो हमेशा स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। जैसे होमो सैपियंस में होमो कैपिटल से एच से स्टार्ट होगा, और सैपियंस होगा वो स्मॉल एच से होगा। तो ये रूल है बच्चों कि जो जीनस नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो स्पीसीज आएगी वो किससे होनी चाहिए बच्चों, स्मॉल लेटर से। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो एक्सेप्शन ये है कि कभी अगर ऐसा हो बाय द वे कि कोई साइंटिस्ट के नाम पे स्पीसीज का नाम रख दिया जाए, तो ऐसे केस में ये रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, और स्पीसीज भी की स्टार्टिंग भी कैपिटल लेटर से होती है। एग्जांपल देखिए, आइसोइड्स पैंटियाई, मतलब क्या, आइसोइड्स इज द नेम ऑफ द जीनस, जबकि स्पीसीज जो है वह पैंटियाई है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल पी कर दिया गया है। अदरवाइज 99% केसेस जो स्पीसीज होगी वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगी। चलिए समझ आया आपको, आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा, तो जो बायोलॉजिकल नेम जब आप लिखोगे, टाइप करोगे कंप्यूटर पे, तो आप क्या करोगे, उसे इटैलिक्स में टाइप करोगे, तिरछा कर दोगे, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, है ना, एंड अंडरलाइन। लेकिन अब जब आप अपने बुक में लिखते हो, अपने कॉपी में लिखते हो, आप नोटबुक में लिखते हो, तो आप नोटबुक में लिखते हो तो देखते हैं, आपने देखा होगा हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, कोई सीधा लिखता है, कोई तिरछा लिखता है, कोई कैसे लिखता है, तो उसमें कोई किसी का नेचुरली तिरछा लिखता है वो, तो उसमें दिक्कत होती है पहचानने में। तो इसके लिए काम क्या कर दिया गया, आपको जैसे मर्जी आए लिखिए, आप लिखिए होमो सैपियंस, बस यही काम करना, होमो का एच कैपिटल, सैपियंस का एस स्मॉल, बट एक काम करना, यहाँ पर इटैलिक्स का जब हाथ से लिखते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता, आप होमो के नीचे अंडरलाइन कर दें और सैपियंस के नीचे भी एक लाइन खींच दें, आपका हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम टाइप करेंगे कंप्यूटर में तो हम क्या करेंगे, इटैलिक्स में रखेंगे, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, एग्जाम में लिखने जाओगे, तो आप होमो सैपियंस लिख के होमो के नीचे एक लाइन खींच देना और सैपियंस के नीचे भी एक लाइन खींच देना, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, है ना, थोड़े थोड़े नाम है आप याद करते चलो, मैंजीफेरा इंडिका, मतलब ये नाम किसका बच्चों, मैंगो का, मैंगो खाते होंगे आप सब लोग, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो ये जीनस है, ये स्पीसीज है, वो इटैलिक्स में लिखी है मैंने। होमो सैपियंस, देखिए ह्यूमन का हमारा, राइस जो आप खाते हो, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, रोटी खाते हो गेहूँ की, है ना, तो व्हीट, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आप देखते हैं एक पॉइंट और, इन प्लांट नोमेनक्लेचर टॉटोनिम, टॉटोनिम क्या मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो, है ना, इसको हम एक टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉटोनिम। तो टॉटोनिम का मतलब जो जीनस का नाम भी वही हो और स्पीसीज का नाम भी सेम हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है एनिमल के केस में, प्लांट में ऐसा नहीं होता है, है ना। प्लांट में ऐसा कभी नहीं होगा कि जीनस का भी वही नाम हो और स्पीसीज का भी नाम वही हो, इसको बोलते हैं टॉटोनिम। सो इन प्लांट नोमेनक्लेचर टॉटोनिम आर नॉट बैड, लेकिन अगर एनिमल आप नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हो तो वहां पे पॉसिबल है। जैसे नाजा नाजा, अब देख रहे हो नाजा नाजा जो हमारा इंडियन जो ये कोबरा है, कोबरा आप जानते होंगे, है ना, किंग कोबरा भी बोलते हैं, तो किंग कोबरा जो सांप है उसका जो नाम है उसका नाम है नाजा नाजा। चूहे जो होता है रैटस, रैट आपके घरों में है, रैटस रैटस आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं टॉटोनिम। ऐसा कभी भी आपको प्लांट के केस में नहीं मिलेगा, रैटस रैटस। मैलस मैलस एप्पल खाते हो, तो एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैलस मैलस, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकल गया है कि कभी भी टॉटोनिम प्लांट के केस में नहीं होगा, लेकिन एनिमल के केस में पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक चीज और भी होती है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने भी किसी कोई भी जो बॉटनी का जो बॉटनी बॉटनी में आई मीन प्लांट का कोई नॉमेनक्लेचर है या एनिमल का नॉमेनक्लेचर है जिस साइंटिस्ट ने रखा है ना, तो उनकी बेसिस पर भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड नॉमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब क्या हुआ, स्पीसीज के बाद ये एक एडजेक्टिव है जो हम उसको यूज कर लेते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज के बाद। तो देखो मैंजीफेरा इंडिका और इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया LIN, मतलब क्या हुआ लिनियस। तो इसको देख के पता चल जाएगा कि लिनियस ने इसका नॉमेनक्लेचर किया था, मैंजीफेरा इंडिका लिनियस। अगर आप करोगे कोई नया एल्गोरिथम आएगा तो आपका नाम शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो बाइनोमियल अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑथर इज रिफर्ड एज बाइनोमियल एपिथेट। इसको हम बाइनोमियल इस तरह से लिखने को हम बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट। इससे ये पता चलता है कि ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, है ना, तो लिनियस ने दिया था। आप करोगे तो आपका नाम आ जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है, एक और रूल कि इफ नेम ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, अगर दो वर्ड्स की मिलकर बनी हुई है तो दोनों वर्ड्स को हम क्या करते हैं, दोनों को हाइफ़न से जोड़ देते हैं। जैसे चाइना रोज या शू फ्लावर, चाइना रोज या शू फ्लावर, या इसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, आप जानते होंगे गुड़हल के फूल लगे होते हैं, इसको चाइना रोज बोलते हैं या शू फ्लावर भी बोलते हैं। इसका जो स्पीसीज का नाम होता है वो थोड़ा दो वर्ड्स का मिलकर बना होता है, तो रोजा साइनेंसिस, तो रोजा और साइनेसिस को, तो ये आपका हिबिस्किस इज जीनस, रोजा साइनेसिस इज स्पीसीज, क्योंकि ये दो वर्ड्स का मिलकर बना हुआ है इसलिए रोजा और साइनेसिस को हम क्या करते हैं हाइफन से जोड़ देते हैं। तो यही यही आपको बताना था मुझे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब बच्चों एक और बचा है लास्ट वन, जिसे बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रपोज किया था इसको हक्सले एंड स्टिकलैंड ने। ऑकेशनली थ्री वर्ड्स आर ऑल्सो यूज फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली द एनिमल्स। ये आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केसेस में सिर्फ एनिमल के केस में मिलेगा, प्लांट में ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत कम मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। सो दिस इंक्लूड जेनरिक, जेनरिक मतलब पहले स्पीसीज, पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा जीन जीनस, फिर स्पीसीज, तो जेनरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक या सब स्पीसीज। तो इसमें तीन चीजें भी मिल सकती हैं कि आपको जीनस मिलेगा, स्पीसीज मिलेगी और सब स्पीसीज भी मिल सकती है। तो अगर कभी ऐसा हो कि एनिमल का हम तीनों चीज लिखें, जीनस भी लिखें, स्पीसीज भी लिखें, सब स्पीसीज भी लिखें, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल देखिए, मॉडर्न मैन का अगर हम नाम ट्राइनोमियल में देखें तो होमो सैपियंस सैपियंस, मतलब क्या हुआ, हमारा जीनस होमो, हमारा स्पीसीज होमो सैपियंस और हमारी सब स्पीसीज भी सैपियंस। और एग्जांपल देखिए लाइक गोरिल्ला का, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, और देखिएगा एकेसिया निलोटिका इंडिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब और दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये शायद आपने तीनों गोभियां खाई होंगी, तीनों को ही गोभी बोल सकते हो आप। देखो कॉलीफ्लावर है, ये कैबेज है ना, ये गोभी इसको बोल दो, या गुजराती में इसको फ्लावर बोलते हैं, फूल गोभी आप बोलते होगे, या आपका है कैबेज, बंद गोभी बोलते हैं, या पत्ता गोभी भी बोलते हैं, और ये नॉल खॉल इसको बोलते हैं गांठ गोभी। ये नॉर्थ में पाया जाता है, बाकी स्टेट में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपने यूपी में कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये भी गोभी की है। तो ये है नॉल खॉल, या इसको गांठ गोभी बोलते हैं। तो देखिएगा इसके नाम, मैंने बताया था कि प्लांट में ऐसा है, मैंने बताया था कि प्लांट में भी मिलता है, एनिमल में मिलता है, प्लांट में थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो अब देखो ब्रैसिका ओलेरसिया बोट्राइटिस, एक हो गया कॉलीफ्लावर, ब्रैसिका ओलेरसिया कैपिटेट, ये हो गया कैबेज, ब्रैसिका ओलेरसिया कॉली कॉलोरेपा, ये क्या हो गया बच्चों नॉल खॉल, है ना। तो दोनों के नाम अगर देखो, तीनों के नाम अगर सिर्फ हम जीनस और स्पीसीज पे रखें, तो देखिए ब्रेस्का ओलेरेसिया ब्रेस्का ओलेरेसिया ब्रेस्का ओलेरेसिया, ये तीनों का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो सबका सेम ही है। तो इनकी सब स्पीसीज हम लगा देते हैं बोट्राइटिस कैपिटेट एंड कॉलोरेपा नॉल कॉल। तो इस तरह से एक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको आज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखते हैं कि जो रूल्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल का नाम कैसे रखते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऐसे ही यहां पर भी बहुत सारी कमिटीज बनी हुई हैं कि हम किस ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे, कौन से रूल रेगुलेशन के थ्रू बैठेंगे करेंगे। तो
तो ये जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, देर आर 5 कोड्स फॉर नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मीन्स प्लांट का नाम रखने के लिए कौन रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, ICBN सारे रूल्स रेगुलेशन यही निकालता है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना, कोई एनिमल है तो उसका नाम किसके कंडक्ट के हिसाब से निकलेगा, ICZN, ये दोनों आप आराम से याद कर सकते हो। ICBACN नाम से ही पता चल रहा है, BAC means बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का नाम कैसे रखेंगे, एज पर द कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN वायरस, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है SARS-CoV-2, तो कोई भी नया वायरस आएगा तो उसका नाम हम रखेंगे एज पर ICVN means इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है ICNCP, कल्टीवेटेड जितने प्लांट हैं तो इनके लिए कुछ स्पेसिफाई कर दिया, जिनकी खेती होती है कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनको रखते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर टू कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये बेसिकली 5 कोड्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा बच्चों, इसके आगे हम लेके आएंगे Part 5 बहुत जल्दी। आप तब तक के लिए इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो आप मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जिसका पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। शेयर आप इसलिए करें ताकि ये जो साइंस है, जो नॉलेज है, वो सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आप ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जल्द मिलते हैं Part 5 में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।